जय मसीह के सारे प्रेम मसीह भाइयों ने, वो आशा करता हूँ सब ठीक है और अच्छे हैं। सो आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है कि मसीही शादियाँ कैसे होनी चाहिए, इस बारे में मैं अपने राय को बता रहा हूँ जो राय बाइबल के खूबियों को साबित करता है। सो फिर दोस्तों, हमारे इंडियन सोसाइटी में, भारत देश में कई सारे शादियाँ ए बी सी डी ई से शुरू होते हैं कि एज एक उम्र, बी ब्यूटी मतलब खूबसूरती, थर्ड कैस्ट जात, डी डाउरी दहेज, ई एडुकेशन शिक्षा पढ़ाई। सो फिर क्या बाइबल इसके बारे में क्या कहता है, क्या ये पांच चीज़ों को बाइबल के हिसाब से देखना नहीं चाहिए, ये बात मैं बताने जा रहा हूँ। इसे हम शुरू कर दें, ठीक है, इसे हम शुरू करते हैं। तो कई बार प्यार कई सारे लोग एक दूसरे से जब करते हैं, कुछ बड़े उम्र के लोग जो शादीशुदा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो शादीशुदा नहीं है लेकिन परमेश्वर ने अगर उनको, अगर कई सारे मसीह लोग हैं जिनके वाइफ बहुत बड़ी है, मतलब बहुत नहीं मतलब बड़ी हैं, इसे मानना तो पड़ेगा, और हस्बैंड छोटा है, दे आर क्रिश्चियंस एंड उसे परमेश्वर ने चुना है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। सो फिर एज रोक टोक नहीं है बाइबल के हिसाब से, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप छोटे से बच्चे से कर सकते हो ऐसा, ये एकदम, तुम अगर ऐसा सोचते हो कि भाई छोटे बच्चे से शादी कर सकते हो बाइबल के हिसाब से, ये ज्ञान कहाँ से लाते हो भाई। मैच्योर्ड लड़के से तुम शादी कर सकते हो, मैच्योर्ड लड़के से तुम शादी कर सकते हो, ठीक है, मैच्योर्ड, छोटे बच्चे माइनर लोग मैच्योर्ड नहीं होते, ठीक है। सो फर्स्ट एज रोक टोक नहीं है, बी ब्यूटी खूबसूरती, खूबसूरती बाइबल के हिसाब से एक ऐसा चीज़ है, बाइबल परमेश्वर ने हर एक इंसानों को खूबसूरत ही बनाया है, जैसे कि उन्होंने कई सारे हम लोगों को देखते हैं, एक काला है, एक बहुत गोरा है, और जो काला है ये गंदा दिखता है, जो गोरा है ये बहुत खूबसूरत दिखता है, ऐसा करके कहना है कई सारे लोगों का, ये राय बहुत गलत है भाई। तुम अगर सोचो जो परमेश्वर ने बनाया है, अगर सबका रंग एक जैसा होता तो कोई खराब दिखता ही नहीं ना तुम्हारे हिसाब से, जो हिसाब से तुम, मतलब तुम अगर ज़्यादा से गोरे हो या फिर चिकने, अब चिकने हो तो आप ये सोचते हो भाई मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, जो भी आप बोलते हो, परमेश्वर अगर एक ही रंग रखे होते हैं सबको, काले ही अगर बनाए होते हैं तो कोई कोई ख़राब नहीं होता ना, सब बोलते हैं हाँ भाई मस्त हैं हमारे तरह ही है ना। सो फिर ये इंटरेस्टिंग है कि लोग खूबसूरती को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो लोग मोह माया के चक्कर में खूबसूरती को प्रेफर करेंगे भाई, उनको खूबसूरती चाहिए, बिकॉज यू ओनली नीड दैट थ्री वर्ड्स, द थ्री थिंग्स, द थ्री, वो थ्री वर्ड्स अभी नहीं बोलूँगा, नेक्स्ट टाइम बोलूँगी। सो फिर खूबसूरती, परमेश्वर ने हर एक इंसान को खूबसूरत बनाया है, जैसे कि अगर कोई काला है परमेश्वर ने बनाया उसे, गोरा है परमेश्वर ने बनाया उसे, नाटा है परमेश्वर ने बनाया उसे, लंबा है परमेश्वर ने बनाया उसे, मोटा है परमेश्वर ने बनाया उसे, पतला है परमेश्वर ने बनाया उसे, अंधा है परमेश्वर ने बनाया उसे, गूंगा है परमेश्वर ने बनाया उसे, हाथ पाँव नहीं परमेश्वर ने बनाया उसे, ठीक है, हाथ पाँव जिनके नहीं है उनकी भी शादी होती है, ठीक है, इनकी देख लो। सो फिर बी ब्यूटी, इसमें यह भी साबित हो जाता है कि परमेश्वर बाइबल के हिसाब से जो है ब्यूटी भी रोक टोक नहीं है। सी कैस्ट, सो ये बड़ा मुद्दा है, इस बड़े मुद्दे को मैं एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश कर रहा हूँ जिससे लोग समझेंगे मेरे बातों को। कैस्ट, क्रिश्चियनिटी में कैस्ट है क्या, मतलब मसीहत में क्या किसी व्यक्ति को तुम छोटे जाति हो करके बोला जाता है क्या, अगर कोई चर्च में जा रहा हो, चर्च में जाते, चर्च में कोई किसी व्यक्ति को भी बोलता होगा क्या तुम छोटे जाति हो, तुम प्रार्थना मत करो, तुम छोटे जाति हो, ये मत करो, वो मत करो, तुम छोटे जाति को हमारे घर पे नहीं आ सकते, मैं तुम छोटे जाति को, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ सकता, छूत अछूत है ही नहीं। तो कैस्ट जो है बाइबल में तो है नहीं, जिस हिसाब से हमारे भारत देश में कैस्ट जो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग इस बात पर
बड़े कई सारे कैस्ट हैं, मुझे पता भी नहीं कितने कितने कैस्ट हैं, लेकिन कई सारे हैं। मैं तो मेरे दोस्त लोग के नाम सुनते सुनते उनके उनके अलग अलग कैस्ट रहते हैं। तो फिर अलग अलग कैस्ट हैं और इनका कहना है कि एक बड़ा कैस्ट है। अगर सोचो एग्जाम्पली बड़ा कैस्ट कोई है, उस बड़े कैस्ट के लोगों को मतलब इस बात का ये घमंड रहता है, हो सकता है आप बड़े कैस्ट के हो सकता है मैं बड़े कैस्ट का हूँ, हो सकता है आप छोटे कैस्ट के हो सकता है मैं छोटे कैस्ट का हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी पार्शलिटी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं किसी को भी ठेस नहीं पहुँचा रहा। ठीक है, तो बड़े कैस्ट के हो सकते हैं, तो उनको उनके हिसाब से कि हमारे घर पे सिर्फ हमारे ही कैस्ट का लोग आना चाहिए। हमारे कैस्ट का मतलब होता है वो एकदम अच्छा अच्छे घर का है, हमारे कैस्ट का नहीं रहेगा तो वो अच्छे घर का नहीं है, ऐसा कहना है हर जात का। एक जात से मैं मिला, एक जात के व्यक्ति से मैं मिला, उसने बोला कि मैं अपनी जात से ही शादी करूंगा, वो बड़ा भी नहीं है। एक बड़े जात वाले से मिला, वो बोलता है कि मैं अपने जात वाले से ही करूंगा, वो बड़ा है। सो फिर कैस्ट सिस्टम है भाई, तुम किसी को जात से ही देख के पसंद कर रहे, हाँ ये हमारा जात का, इससे मैं शादी कर लूंगा, ये हमारे जात का, इससे मैं शादी कर लूंगा। जैसे कि कई बार होता है ना कि मैंने वैसे भी सुना भी था, मैं ज़रूर एग्जाम्पल बताऊंगा। अगर सोचो तुम्हारे घर में, अगर हो सकता है तुम कोई भी जात के हो, आपकी कोई अगर आप ही हो शादी के लायक, हो सकता है आपकी शादी भी हो गई, लेकिन अगर हो सकता है एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आपकी शादी के लायक हो और आपकी कैस्ट का ही कोई है, जो व्यक्ति गंदा काम करता है, बहुत बुरा इंसान है, जो मसीह में नहीं है, मसीहत की बात आगे कर दें, जो गंदा काम करता है, तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो इस बात पर कि वो मेरे कैस्ट में, सिर्फ इसी बात पर। हाँ ठीक है, तुम आ सकते हो, तुम कुछ भी करो, तुम नालायक रहो, तुम बदतमीज रहो, तुम गाली दो, चोर चोर करो, चोरी करो, हत्या कर लो, अगर तुम मेरे कैस्ट के हो बस कोई बात नहीं। लॉन्ग वीडियो बन सकता है लेकिन स्टिल बहुत अच्छा रहेगा ये बातें सही समझने के लिए। तो तुम मेरे कैस्ट के हो ऐसे बोलकर आप एक्सेप्ट करोगे क्या? सोच लो, अगर कर रहे हो तो आगे आप तो मसीह लोग हो नहीं, मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है वो मसीह नहीं। सो बाइबल क्या कहती है कैश सिस्टम के बारे में? परमेश्वर ने सबको एक समान बनाया, किसी को भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि तुम अलग जात के हो, तुम यहाँ मतलब किसी को भी परमेश्वर ने मतलब जात पे नहीं बांटा है, परमेश्वर ने सभी इंसानों को एक समान बनाया, ही मेड एवरी वन इक्वल। सो मेरा एक सिंपल ही कहना है, मसीही लोगों शादी करना चाहते हो, कैस्ट को ही सिर्फ देखना चाहते हो, ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम्हारे कैस्ट वाले से मत करो, तुम्हारे कैस्ट वाले हो सकते हैं मसीही लोग होंगे, अगर होंगे तो कर लो, नहीं होंगे अगर प्रभु दूसरा देना चाहता है कर लो, इसमें क्या बात है? कैस्ट मतलब क्या है, मतलब आपके हिसाब से कैस्ट क्या है? हो सकता है आप बड़ी जात के हो, ठीक है मैं मानता हूँ मैं बड़ी जात का हूँ, आप बड़ी जात के हो मैं मानता हूँ, ठीक है। अब एक बड़ी जात के होने के बाद अगर आप इस बात पर घमंड कर रहे हो कि मैं बहुत बड़ा जात का हूँ, हमसे ये शुरू हुआ, हमसे ये हुआ, हमसे वो हुआ, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर आप सच में बड़े जात के हो, अगर सोचो अगर आप एक छोटे जात के घर में तुम पैदा हुए होते, अगर छोटे जात के घर में तुम पैदा हुए होते, ये घमंड करते क्या? नहीं करते। ये जात जो है ना ये एकदम इसके समान है, कूड़े के समान, ठीक है, ये भी परमेश्वर के हिसाब से सही नहीं है। डी ए बी सी हो गया ना, डी डाउरी दहेज। तुम ये भारत देश का ये सिस्टम, भारत देश की बात नहीं कर रहा, हमारे भारत देश के कुछ इलाकों में ये सिस्टम अभी भी चल रहा है, कुछ नहीं ज्यादातर सभी चल रहे हैं, जो कि पीछे से मतलब ऊपर से शादी हो रहा है, पीछे से पैसे निकाल रहे हैं, ऐसा मतलब किसी एक लड़की को अगर कोई शादी, अगर लड़की किसी के घर में जा रही है तो उसको बेचा जाता है। मैं इसे ये वर्ड बोलना बहुत पसंद करूंगा, तुम एक लड़की से शादी करने के लिए तुम पैसे मांग रहे हो, मतलब तुम इतना दहेज दो मुझे, क्यों भाई किस बात की दहेज? तुम लड़की को खरीद रहे हो क्या? अगर सोचो आपने आपके पत्नी को खरीद लिया कुछ लाखों या करोड़ों रुपयों से, मतलब उस करोड़ों रुपयों तक की तुम्हारी पति और पत्नी का कीमत है क्या? उससे बढ़कर नहीं है क्या? उतने पैसे अगर आपको कोई और दे देगा तो आपने आप
लड़का और लड़की को दे दोगे, पति पत्नी को दे दोगे? नहीं ना। सो फिर वाई यू आर टेकिंग डाउरी? क्रिश्चियंस लोग, मैं आपसे बोल रहा हूँ, हिंदू से लोगों को ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मसीह लोग ही इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। सो फिर मसीह लोगों, वाई आप डाउरी क्यों ले रहे हो, कैश क्यों देख रहे हो, ब्यूटी क्यों देख रहे हो, एज क्यों देख रहे हो? सब परफेक्शन चाहिए क्या आपको एकदम से? प्रभु ने जो दिया उसके लिए तुम बोलो ना, प्रभु मैं आपकी मर्जी को होने के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। प्रभु को बोला ना ऐसा कि प्रभु आपकी मर्जी हो, उससे बढ़कर कौन ढूंढ के लाएगा? अच्छा सा उससे बढ़कर कौन लाएगा भाई, मैं तो समझ नहीं रहा हूँ। सो डाउरी, दहेज ये भी नहीं है हमारे मसीहत में। कोई मसीह लोग दहेज ले रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करिए, सॉरी इस नंबर पे नहीं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए, मुझे एक बार फ़ोन करके उनको सुनाना है कि कौन से शब्द नहीं रहे, शब्द इस यहाँ पर आ रहे होंगे। सो फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि मसीह लोगों का दहेज ले रहा हूँ, शर्म करो भाई, शर्म करो। मसीह लोगों, किस बात के मसीह लोगों? तुम लोग यीशु मसीह के नाम को बदनाम करने के लिए मसीह लोगों दहेज ले रहे हो? मेरे को एक मसीह परिवार मिला, बोला कि ब्रदर हमारे में भी तो दहेज लेते हैं। शर्म की बात है, ऐसे लोग हैं ना, ये हमारी शर्म की बात है। तुमने उस पाप की जड़ को अभी तक छोड़ा ही नहीं, ठीक है? दहेज नहीं, एडुकेशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडुकेशन को चूज मत करो, मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि अगर मतलब आप, हो सकता है कि आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हो और आप चाहते हो कि आपके घर में आने वाले भी पढ़े लिखे हों, आपके मतलब जो आप चाहते हो, आपके चाहतों में कुछ मतलब गलत नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि नहीं मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ाई लिखने वाली लड़की चाहिए, ये मेरे हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगता। मसीह लोग क्या देखना चाहिए, मसीह में है या नहीं, विश्वासी है या नहीं, यीशु को तकलीफों में दुखों में छोड़ने वाला है या नहीं, मरते दम तक यीशु मसीह के लिए जीने वाला है या नहीं, तकलीफों में संकटों में कुछ भी हो जाए, अकाल आ जाए, भूखमरी आ जाए, यीशु मसीह को छोड़ने वाला है या नहीं, ये बस। अगर यीशु के राहों पर चलने वाला बंदा है, आग बंद करके शादी कर लो। यीशु के राहों पर, जो यीशु के राहों पर चलता है, ना दहेज लेगा, ना तुम्हें गाली देगा, ना तुम्हें मारेगा, ना तुम्हें पीटेगा, ना तुम्हें अभद्र टिप्पणी करेगा, और ना तुम्हें अगर मसीही स्त्री है तो ना तुम्हें वो गाली देगी, ना तुम्हें वो मारेगी, ना तुम्हें वो बदनाम करेगी, ना तुम्हें वो अपमान करेगी, ना वो गलत काम करेगी, अगर मसीही है, अगर मसीही है, ठीक है? यीशु मसीह के लोग हैं, अच्छे मसीही लोग हैं। नाम के बात कर, नाम नाम के मसीह लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। नाम के मसीह लोग बस, तुम लोग तो यार उनसे भी खराब, तुम लोगों, तुम लोग बस नाम के लिए मसीह लोगों, लेकिन तुम्हारे काम वही पुराने जड़ से ही जुड़े हुए हैं। तो मसीह लोग, अगर अच्छा मसीह मिले, अच्छा मसीह मिले, आँख बंद करके शादी कर लो, कोई कुछ नहीं होएगा। अच्छा मसीही परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर अच्छा मसीह को ढूंढो, अच्छा मसीह मतलब परमेश्वर की बातों को समझने वाला, आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर आपको बिब्लिकली प्रेफरेंस रेफरेंस के साथ चाहिए, तो ज़रूर आपको रेफरेंस मिलेगा। आप इंस्टाग्राम पर जाइए, अगर आपको रेफरेंस चाहिए व्हाट बिब्लिकली क्रिश्चियन मैरिज शुड हैव टू बी, सो उस पर आपको रेफरेंस के साथ मैसेज भी दिया जाएगा अच्छा सा, ठीक है? और इस पर क्यों नहीं बताया जा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। बस मैं इसीलिए इसमें कुछ बातें कह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट थी, जो कि समझने के लिए ये बातें थी। अगर आपको बाइबल के हिसाब से चाहिए तो ज़रूर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें। फॉलो मत करो तो भी चलेगा, मैं फॉलोअर्स के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? फॉलो मत करो, बस मुझे क्वेश्चन आंसर के लिए। मैं नंबर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ज़्यादा अगर लीगल हो जाएगा तो आप सब समझते हैं इस बात को, ठीक है? ओके। और एक बात अल्टीमेटली लास्टली ये बताऊंगा, अगर मसीही लोगों को शादी करने के बाद भी कुछ ना कुछ वजह के वजह से झगड़े हुए हैं, या फिर डिवोर्स तक बात चली गई है, उस पर भी मैं ज़रूर
एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन के साथ सेकेंड मैरिज के बारे में, और कैसे सेकेंड मैरिज मसीह लोग कर सकते हैं। सेकेंड मैरिज करने नहीं बोल रहा हूँ, वो वीडियो देखोगे नहीं तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड मैरिज का जो बड़ा सा मुद्दा है, इसे मैं ज़रूर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा आगे आने वाले समय में। धन्यवाद सभी को, समझ में आया होगा मैं जो क्वालिटीज़ की बात कर रहा हूँ। सो मसीह लोग, ABCD भूल जाओ, ABCDE भूल जाओ, और यीशु मसीह का है या नहीं बस इसके खोज में रहो। यीशु मसीह का होना ज़रूरी है, कौन से ही मज़हब का नहीं, यीशु मसीह का ही बंदा होना चाहिए। अगर वो सिर्फ क्रिश्चियन है, नॉमिनल क्रिश्चियन है, तो भी शादी मत करो। बचपन से मेरे परदादा क्रिश्चियन है, मेरे दादा क्रिश्चियन है, मैं क्रिश्चियन हूँ, ऐसे लोग को भी छोड़ो। यीशु मसीह के बातों को मानता है या नहीं, अब बोले ब्रदर ऐसा नहीं मिलेगा, मिलेंगे भाई, टेंशन मत लो। ऊपर वाला तुम्हारे लिए बहुत अच्छा दुल्हन और दुल्हा लेके रखेगा, बस भरोसा करो, ठीक है। वीडियो लॉन्ग बनाए बस, चिल। आई एम वेरी हैप्पी टू अपलोड दिस वीडियो। यीशु मसीह की जय।